नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के लामता वन विकास निगम के लालबर्रा परियोजना परिक्षेत्र में भारी मात्रा में सागौन की अवैध कटाई का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत सागौन के जंगल में पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई वन माफिया द्वारा की जा रही है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और न ही वन विभाग और कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। विडम्बना ये है कि जिस स्थान पर सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई हुई है वह स्थान वन चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, लालबर्रा रेंज के सेलवा बगतई सालेबर्री बीट के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 393, 394, 398, 388 और 389 में हाल ही में दर्जनों संख्या में सागौन के पेड़ काटे गए हैं। जहां पेड़ काटे गए हैं वहां दर्जनों पेड़ के टूट अभी भी साक्षी बनकर अड़े हैं। बावजूद इसके लालबर्रा रेंज के बीट के अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इधर कार्रवाई नहीं होने से वन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ प्रतीत हो रही है। इधर से इधर सर, लालबर्रा क्षेत्र के कुछ बीच में वनों की कटाई का मामला सामने आया था। आपके विभाग ने मामले के संज्ञान में कुछ कार्रवाई की, क्या सामने आया? हाँ, कुछ अवैध कटाई की सूचना मिली थी, जिसको लेकर मैंने अपने संभागीय उप प्रबंधक और परिषद अधिकारी को निर्देशित किया था और उन्होंने जाके जांच की है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और कार्रवाई की है। कितने पेड़ों के सामने आया? अभी प्रकरण मेरे सामने आई नहीं। इसमें कुछ संदिग्ध विभाग के हिरासत में थे? अभी प्रकरण आया नहीं, जब तक प्रकरण नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते। तो कार्रवाई कहाँ तक होती है सर? जैसे मामला संज्ञान में लिया गया, प्रकरण कायम कर लिया है, चूंटों की गिनती कर ली है, उन पर हैमर लगा दिए, नंबर डाल दिया। सर, जैसा देखा जाए कि वन विभाग में इतनी फोर्स होती है, क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन कहना की इस प्रकार की नहीं। आप गलत कह रहे हैं, ये वन विभाग नहीं है, ये राज्य वन विकास निगम है, इसमें स्टाफ की कमी है। क्या एक्शन लेना चाहिए सर? जैसे एक्शन ले रहे हैं, हमारे पास जो भी स्टाफ है उसी सीमित संसाधन है, उससे हम कार्रवाई कर रहे हैं।